अफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर ऑन इमेज। अब सपोज करो किसी ने क्या किया, ये मिरर था, डायग्राम में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको बनाना नहीं है, आपको सब समझा रहा हूं मैं। किसी ने क्या किया, मान लो मिरर ये था आपका मिरर, ये आपका मिरर है और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की इमेज पक्की बात है ऑपोजिट साइड पे बनेगी, बात ही खत्म हो जाती है क्योंकि रे जाती है, रे वापस आ जाती है, बात खत्म। पर किसी ने क्या किया, किसी ने मिरर को रोटेट कर दिया बाय एन एंगल ऑफ थीटा। अब सोचो यही ऑब्जेक्ट अगर ये मिरर को मानता है, नया मिरर एम डैश है, एम डैश का नॉर्मल कहीं यहां पे कहीं जाएगा तो रे निकलेगी ऑब्जेक्ट से और नॉर्मल को मानते हुए यहां जाएगी, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन शॉर्ट ये समझ लो कि अगर आपका मिरर टेढ़ा है तो इसका नॉर्मल भी ऐसा है, और अगर ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा हुआ है तो रे जाएगी, ये नॉर्मल को मानते हुए रे ऐसी चली जाएगी, तो ऑब्जेक्ट है और ऐसे मुड़ जाएगी, कोई डाउट इसमें? तो क्वेश्चन है कि अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पुराना मिरर है और ये रोटेट हो गया, या बना लेना एट एन एंगल ऑफ कितना, थीटा रोटेट किया, तो ये ऑब्जेक्ट से रे गई, ये रे गई, ये नया मिरर है, ये इसका नॉर्मल है, रे ऑफ लाइट गई, ये एंगल बनाती हुई यहां पर रिफ्लेक्ट होके चली गई, ठीक है। अब इमेज कैसी बनी, इमेज ऐसे बनी, इसको एक्सटेंड किया और इसे जब मिलाया तो क्या बनी, इसकी इमेज बनी। तो जो इमेज पहले स्ट्रेट मिरर की आई पे बन रही थी, अब वो टेढ़े मिरर की कहां पे बन रही है, आई डैश पे बन रही है। अब ज्योमेट्री देखें, अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला ये और ये 90 डिग्री पे है, और अगर ये थीटा है तो ये एंगल क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा, मतलब एंगल 90 माइनस थीटा, और अगर ये और ये 90 पे है और ये 90 माइनस थीटा है तो बचा हुआ कितना है, थीटा। तो ये एंगल क्या प्रूव हो गया, थीटा। तो अगर ये थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो रिफ्लेक्शन का एंगल भी क्या होगा, थीटा, बाय वर्टिकली ऑपोजिट ये क्या हो गया, 2 थीटा। तो आपने ये ज्योमेट्री आज के बाद ड्रॉ नहीं करनी, ना आपको चाहिए। पहला शॉर्टकट याद करें, अगर आपने मिरर को क्लॉकवाइज घुमा दिया बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री तो उसकी इमेज भी क्लॉकवाइज घूमेगी बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये रिजल्ट याद रखना है, सेम डायरेक्शन में घूमेगी, तो ऑब्जेक्टिव में सीधा आएगा। आपने मिरर को घुमा दिया बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री तो इमेज कैसे घूमी, 60 डिग्री। तो ये ज्योमेट्री समझाने के लिए ये नोट लिख सकते हैं अपने फॉर्मुला बुकलेट में, इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ थीटा, इमेज इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 2 थीटा इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, ये भी लिख लेना, ठीक है। क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ही घूमेंगे, ठीक है यहां तक।